रिजर्व पुलिस लाइन स्थित फाइट हाउस सभागार में सोमवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एएसटीयू और बाल कल्याण प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से एएसटीयू और बाल कल्याण प्रभारियों को अवगत कराया गया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि बच्चों से संबंधित जो भी मामले थाने पर आते हैं उसे देखते हुए बाल कल्याण प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके साथ समन्वय बनाकर अच्छा व्यवहार स्थापित कर उनकी बातों को अच्छे तरीके से सुना जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी न की जाए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमें इनका मार्गदर्शन कर इनकी पीड़ा को सुनकर इन्हें आगे के अच्छे जीवन की तरफ अग्रसित करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, लेकिन बच्चों से भिक्षावृत्ति क्या करवाई जाती है, जो लोग भिक्षावृत्ति करते हैं वही लोग क्या बोलते हैं उसमें शामिल रहते हैं और बच्चों को किसी भी माध्यम से उनको प्रलोभित करके, जैसे ये देखिए जहाँ पर ये आपके थाना क्षेत्र में पीट का धक्का हो, गाड़ी का धक्का हो, वहाँ में बच्चे बच्चों को नहीं संभाल ज्यादा रहती है, वो अपने साथ बच्चे लाते हैं, बच्चे लाए कोई बात नहीं भाई, माँ बाप को ही है लेकिन फिर उनसे काम भी करवाते हैं, अगर बज रहा है उसका निष्कर्षण होता है वहाँ बनाते भी हैं। ये भी समझिए जिम्मा दिया गया आप लोगों को, इतने भी जो भी मामले हो सकते हैं उसका अनुमान लगाइए आप लोग, बच्चे कहाँ कहाँ मिलेंगे, अगर किसी के बच्चे को अपहरण करके कोई ले गया है, अरे किस जिले का बच्चा कहीं और किसी जिले में होगा और कहीं किसी राज्य में होगा, कहीं कहीं उसका अस्तित्व होगा या अस्तित्व नहीं होगा, ऐसे कौन से संभावित स्थान है जहाँ बच्चों को बच्चे मिल सकते हैं। सरकार से आया हुआ है तो मुझे इंग्लिश में है, लेकिन उसकी कॉपी मैंने भिजवाया था, अगले मीटिंग में बताए समझाएं, बहुत महत्वपूर्ण कारण जाया हुआ है ये इसी वगैरह जिम्मेदारी और चाइल्ड वेलफेयर कार्य करने का अवसर मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 9/18/2018 चाइल्ड प्रोटेक्शन ग्रुप साहब ने बनवाया, यह पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 35 जिलों में एसपी कार्य करती है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें 35 जिलों में एसपी कार्य करती है। अब उस एसपी को उन 35 जिलों में सुपर मॉडल एसपी अपना पूरा है, यूनिक साहब ने जो कार्य किया है यूनिक कार्य इसलिए है कि अपने आप में एक कीर्ति है जिसको हम नजीर कह सकते हैं, इनकी जो कार्यकृति होती है हम हमेशा प्रोडक्शन रूप में डालते रहते हैं, जो साहब ने बनाया था 9/18/2018 होना था और जिला सुरक्षा अधिकारी मैडम अगर शुक्ला उनको जो हमने बनाया था, मैंने इन्हीं के साहब के ही निर्देशन करा था और उसमें देखिए कौन कौन से भी लोग हैं जो आप सहयोग देने के लिए हो रहा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कोई भी समस्या आती है उसके जानकार डॉक्टर श्री राजेश मणि साहब सर हैं उसमें, फिर उसके बाद डॉक्टर मिखाई सर हैं मनोवैज्ञानिक भी हैं और पीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, जे जे बी के मेंबर हैं उसमें, और आपको किशोर नायक बोर्ड के क्या है किशोर संरक्षण गृह के अधीक्षक महोदय उससे जुड़े हुए हैं, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ दिस सिटी मेनली सभी इंटरेक्टेड है, यहाँ तक एसएसबी के हेडक्वार्टर भी एसएसबी भी जुड़ा हुआ है, जी आर पी मैडम भी जुड़ी हुई हैं उस ग्रुप से, एसपी जी आर पी मैडम और आर पी एफ सारे लेबर डिपार्टमेंट जितने भी जगह जहाँ मानव तस्करी बाल श्रमिक बंधुआ मजदूरी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, यह बात आखिर इसके पहले भी तो एसपी कायम थे, इसके पहले भी मीटिंग ज्यादा कदा हो जाया करते थे लेकिन प्रतिमा होती है, यह सबसे अच्छी बात है कि प्रतिमा मीटिंग होती है, इसमें आपका एक प्रश्न प्राप्त हो जाता है, जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं अभी निकल गए हैं आप लोग अंदर कुछ कार्य करने का वो है जज्बा है, आप वो है अपनी बातों को पूछ सकते हैं रख सकते हैं वहाँ भी लोग रखते हैं। आज की मीटिंग हमारे एसएसपी महोदय द्वारा आहूत किया गया है जनपद में जो एएसटीयू है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इनकी मीटिंग है और सभी थानों पर बाल कल्याण अधिकारी बनाए गए हैं, बच्चों से संबंधित बाल कल्याण अधिकारी, बच्चों से संबंधित जो भी मामले आते हैं तो हर थाने पर एक बाल कल्याण अधिकारी है सब इंस्पेक्टर रैंक और एक महिला आरक्षी रहती है,
कि महिलाओं ये जो बच्चों का नियम ये कानून बच्चों संबंधित जो कानून बनाए गए हैं बहुत ही सौम्य कानून है, उनके उनके लिए अलग से ही समझिए एक, एक एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना होने पाए, बच्चों की जो उनकी आवश्यकताओं वाली बात होती है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बच्चों के अधिकारों के बारे में किस संवेदनशीलता से बच्चों के मामलों को टेकअप किया जाए वो उसको देखने के लिए कि जो किशोर हैं खास तौर से किशोर का मामला हमेशा संवेदनशील होता है और ये किशोर हमारे देश के भविष्य हैं तो उनके साथ कोई बदसलूकी ना होने पाए, उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुना जाए, उनके मानस पटल पर ये पुलिस की या किसी भी विभाग का एक बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इन्हीं सब के संबंध में आज एक मीटिंग आहूत की गई है जो समय समय पर ये माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन से बहुत ढेर सारे निर्देश आते रहते हैं तो निर्देशों के संबंध में भी इनको अध्यावधि कराया जाता है। इस संबंध में महिला एवं बाल कल्याण विकास से भी बहुत ढेर सारे निर्देश प्राप्त होते रहते हैं तो एक हम लोग मासिक समीक्षा गोष्ठी करते हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स रहते हैं लेकिन आज ये थाना स्तर की मीटिंग है और ये एस टी ओ स्तर की मीटिंग है तो बच्चों से संबंधित मीटिंग है। बच्चों के लिए समझिए बहुत ढेर सारी रियायतें हैं, बच्चों के लिए खास प्राविधान बनाए गए हैं, बच्चों के साथ अगर कोई पूछताछ किया जाए तो समझिए कोई पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं होना चाहिए, उनको थाने पर ना बुलाया जाए, जहां बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें उसी स्थान पर उनसे बातचीत किया जाए और बहुत संवेदनशीलता पूर्वक उनसे बातचीत किया जाए। और आजकल कोविड से के दौरान बहुत ढेर बच्चों से संबंधित और भी मामले सामने आ रहे हैं तो किस संवेदनशीलता से ये सब मामलों को देखा जाना है उसी संबंध में मीटिंग है।